हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वन्ना शर्मा एंड वेलकम ऑन माई चैनल नेट केमिस्ट्री हब। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 19, 20, 21 एंड 22 में पूछे गए थे। ये हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये सॉल्यूशन है फोर्थ, ये इसका फाइनल पार्ट है। इसके बाद में ये कंप्लीट हो चुका है। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए थे उसके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कर दिए, तो वन बाई वन फर्स्ट पार्ट से आप सॉल्यूशन को देख सकते हो। तो हमने आपकी देखने के बेसिस पर इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया कि आप आराम से वन बाय वन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सको विथ फोकस। सो वन बाय वन हमने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके आपके लिए ये चैप्टर प्रोवाइड किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन इस बार नेट में आ सकता है, तो रेडी रहना कि इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। इस क्वेश्चंस को जब भी फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन पढ़े तो रीडिंग अच्छे से करनी है आपको, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो टाइम अप होता है, देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 2 लीटर ऑफ गैस एट 1 atm प्रेशर इज रिवर्सिबली हीटेड टू रीच ए फाइनल वॉल्यूम 3.5 लीटर, वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन ऑन द गैस। तो निकालना वैसा ही है, W=-P V2-V1। अब देखो यहाँ दे रखा है, इस लाइन को अच्छे से पढ़ना, वर्क डन ऑन द गैस, यानी कि वर्क किया गया है गैस के ऊपर। तो अब यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें रिवर्स करना होगा, क्योंकि सिस्टम ने काम नहीं किया, सिस्टम पर हमने काम किया। तो इसके आंसर को नेगेटिव से आपको पॉजिटिव में लेना है, केवल इतना ही है। अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है, 2 यहाँ पर 1 atm लिखा हुआ ना, 1 लिखेंगे 1, और यहाँ V2 दे रखा है 3.5, और V1 दे रखा है 2 लीटर, ठीक है। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पर 3.5 में से 2 निकालोगे तो कितने बचेंगे, 1.5 हो गया। तो इसका यहाँ से W आता है -1.5। क्या आपका आंसर आ चुका है? नहीं आया, क्योंकि ये तो ATM अभी लीटर में आया है। तो हमें पता है 1 atm लीटर इक्वल्स टू 101.3 जूल के इक्वल होता है। तो आपको इसको क्या करना होगा, 1 atm लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को इससे ऑब्वियसली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर W=-1.5 × 101.3 जूल, ये हो गया आपकी वैल्यू। यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी -151.95 जूल, ठीक है, ये हो गया आपका W। अब यहाँ पर ये नेगेटिव में है, हमें क्या कहा था, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क जब सिस्टम पर किया जाता है तो वो पॉजिटिव होता है, और हमने यहाँ नेगेटिव फॉर्मूला लिया है। तो आपका आंसर पॉजिटिव में राइट होगा, +151.95 जूल, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया है, बट मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगी कैसे करना है इसको, अगर आपको नहीं, आपसे नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना आप कि आपको अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस सेशन अच्छी है, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा और एनर्जी मिलेगी, इससे हम और भी क्यूरियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। तो अभी यहाँ स्टॉप नहीं है, और सारे टॉपिक्स भी कंप्लीट ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन क्या है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 3NO and 2O + NO2 825 degrees Celsius close to, तो डेल्टा जी नोट दे रखा है, आर दे रखा है, क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और डेल्टा जी दे रखा है, तो डेल्टा जी = ΔG0 + RTln K, ठीक है। डेल्टा जी इक्विलिब्रियम दे रखा है, तो डेल्टा जी नोट ये जीरो हो जाएगा ना, पहले भी बताया था मैंने, तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो हो जाता है, इसलिए हमने इसको जीरो लिखा है। अब डेल्टा जी नोट निकालना है तो -RTln K करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या लिखना, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये हो जाएगा माइनस, और टी क्या है, टी आपकी वैल्यू है 28, जो 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में चेंज करोगे तो 25273 ऐड करना है, ये केल्विन, और यहाँ एलन के निकालना है, और डेल्टा जी, एक सेकेंड, डेल्टा जी दे नोट दे रखा है, तो आपको एलन के निकालना है,
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी लिख दो, जो 41.8 केलो जूल, ठीक है। यूनिट सही लिखना आपको। अब एल एन के पी निकालना है तो इसको डिवाइड कर देना है, सारी वैल्यू नीचे लेके आ जाना। तो यहाँ पर 8.314 इंटू में 298 वैल्यू जो कट रही है उसको काट देना। किलो जूल को आप 10³ भी लिख सकते हो जूल में। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा के का, अब के एल एन के है, पहले भी बताया था मैंने, तो एल एन को हटाने के लिए आप इसको इधर एक्सपोनेंशियल कर देना, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में और ये हो जाएगा के। तो के की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी 1.8 इंटू 10³, ये पावर में ही देना, तो इसी में आपको आंसर दिखना है। तो जो भी आपका आंसर है उसमें चेंज करना हो तो चेंज करना, तो के की वैल्यू आपके पास 1.8 10³ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इस क्वेश्चन को और बताना क्या आंसर आता है आपका। क्वेश्चन बहुत इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, बस हो सकता है कि एग्ज़ाम में ना हो, बट एग्ज़ाम में हो इसीलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए अच्छे से समझ लेना। देखो क्या पूछा है, द चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा इज फॉर रिएक्शन 2 फॉस्फोरस 3 Br2 2 Br3। तो इसमें आपको चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा इज दे रखी है -243 किलो जूल, ठीक है। अब इफ अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस कंज्यूम इज 3.1 ग्राम, फॉस्फोरस की कंज्यूम रेट दे रखी है 3.1 ग्राम कंज्यूम हुआ है, फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट दे रखा है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा पूछा आपको, तो आपको पता है 2 मोल फॉस्फोरस दे रखे हैं आपको, 2 मोल फॉस्फोरस के दे रखे हैं, कितने हैं 2 मोल के इक्वल, आपकी ये जो वैल्यू दे रखी है वो 2 मोल फॉस्फोरस के इक्वल है, तो -2.43। तो आपको 1 मोल फॉस्फोरस के इक्वल निकालना हो तो -243 डिवाइड बाई 2 कर देना है। अभी ये आंसर नहीं आया है, 1 फॉस्फोरस के रिस्पेक्ट में आपको क्या दे रहा है, अमाउंट कंज्यूम फॉस्फोरस कंज्यूम इन 3.1 ग्राम, तो इस कंडीशन में आपकी चेंज इन एंथैल्पी कितनी होगी, तो इसका भी पार्ट रोल है यहाँ पर, तो ये 1 मोल कंप्लीट नहीं है। अब क्या करेंगे हम, एटॉमिक वेट दे रखा है तो मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास, ग्राम में दे रखा है 3.1 और नीचे दे रखा है यहाँ पर 31, तो ये हो जाएगा आपका आंसर निकालो 0.1। तो ये 31 ग्राम में है, 31 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल, ठीक है। तो 3.1 ग्राम इक्वल्स टू हो जाएगा 1/31, देखो 31 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल, तो 3.1 ग्राम इक्वल्स टू 1/31 इंटू में 3.1, तो आंसर है 0.1 मोल। अब आपको यहाँ पर 1 फॉस्फोरस की अमाउंट निकाल देनी, यहाँ पर डेल्टा एच भी दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके आंसर आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा एच इक्वल्स टू 12-12.15 किलो जूल। तो ये इसका राइट आंसर है, किलो जूल में ही देना था आपको, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपका राइट आंसर होगा। आई होप ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो सारे क्वेश्चंस जो भी थर्मोडायनेमिक्स के शेयर किए गए थे उसके सभी के सॉल्यूशन हमने यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल नेट केमिस्ट्री हब पर प्रोवाइड कर दिया है, तो आपने विजिट नहीं किया है तो सारे क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि 19, 20, 21 एंड 22 के सारे क्वेश्चंस में PDF में इन्वॉल्व है, और यहाँ पर ये लेक्चर प्रोवाइड आपको किया गया है फ्रीली। सो आपको किसी भी तरीके का कोई इशू हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट लिख के आप शेयर कर सकते हो, और आप टेलीग्राम चैनल जो भी जो सेम नेम से ही है नेट केमिस्ट्री है उससे भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी है, तो इंस्टाग्राम पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए शेयर किए जाते हैं तो उनको भी आप कीजिए और अपना आंसर दीजिए, ठीक है। यूट्यूब पर भी है, टेलीग्राम पर भी है, और एज वेल एज इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, आपको हर जगह मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप स्माइल, कीप स्टडी विथ नेट केमिस्ट्री हब।